कैसा लग रहा है मेरा न्यू हेयर स्टाइल? माय बेबी कट, डू यू लाइक बेबीज? अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल्स, हाउ आर यू टुडे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो जी आज हम बात करने वाले, कुछ ज्यादा करीब नहीं आ गए, जरा पर आओ बैठो। ओके जी, डोंट माइंड। आज हम बात करने वाले हैं ईशा ऑर्गेनिक्स की हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में। आई थिंक कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं जिसका मैंने रिव्यू नहीं किया। हाँ, मिस्ट नहीं है इनका मेरे पास, इनका मेरे पास मिस्ट नहीं है, जो फेस मिस्ट है या टोनर है जो है, आई डोंट एक्चुअली हैव दोज। एनी हाउ ले लेंगे वो भी, नो इशू। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं इन दो शैम्पू एंड बायोटिन मास्क। केराटिन मास्क है ये, आपके बालों को शाइन देता है, आपके बालों को और क्या क्या करता है। इफ यू इंटरेस्टेड देन लेट्स स्टार्ट। ये है इनका कोकोनट एंड आलमंड शैम्पू। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या। ईशा ऑर्गेनिक्स शैम्पू कंटेन्स कोकोनट एंड आलमंड एक्सट्रैक्ट्स दैट रिपेयर योर डैमेज हेयर एंड स्प्लिट एंड्स। कोकोनट एंड आलमंड एक्सट्रैक्ट्स स्मूथ एंड स्ट्रेटन योर फ्रिजी एंड वेवी हेयर। इट नरिशेस योर स्कैल्प एंड स्ट्रेंथेंस योर हेयर रूट्स, लीविंग यू विद हेल्दी एंड स्ट्रेट हेयर। इज द बेस्ट फॉर मेन एंड वुमेन एंड सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। इतने सारे क्लेम्स करता है, और इसका जो मास्क है उसमें भी कुछ इसी तरह के क्लेम्स हैं। ईशा ऑर्गेनिक्स एंटी हेयर लॉस मास्क इज इन्फ्यूज विद बायोटिन केराटिन दैट प्रिवेंट्स ब्रेकेज एंड हेयर एंड प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। बायोटिन स्टिमुलेट्स द केराटिन प्रोडक्शन इन हेयर, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फॉलिकल ग्रोथ। केराटिन हीट केराटिन हेल्प स्ट्रेंथन हेयर इन प्रिवेंट टू प्रिवेंट ब्रेकेज, हीट डैमेज एंड फ्रिज। दिस मास्क हेल्प स्ट्रेंथन एंड वॉल्यूम एनी हेयर टाइप, स्पेशली फाइन फ्रेजाइल हेयर, गिविंग यू लशियस लॉक्स, रेजिस्टेंस टू हेयर फॉल। माय गॉड, इतने सारे क्लेम्स। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं शैम्पू की, क्योंकि पहले अपने शैम्पू ही तो लगाना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जी ये बायोटिन केराटिन मास्क, जो इतने क्लेम करता है और ये फुलफिल करता भी है कि नहीं। अच्छा जी, मेरे पास ये जो शैम्पू आया ना, ये है आमंड एंड कोकोनट। सो कोकोनट बेसिकली मेरे बालों को सूट नहीं करता, क्योंकि मेरे बाल बहुत ऑयली हैं, और एक वॉश के बाद सेकेंड वॉश में वो ऑटोमेटिकली ऑयली हो जाते हैं। अगर मैं सेकेंड मतलब डे उसको वॉश ना करूँ, तो थर्ड डे डेफिनेटली माई हेयर लुक्स सो ऑयली। अब ये कोकोनट ऑयल जो होता ना, ये बेसिकली आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है। सो माई हेयर आर ऑलरेडी ग्रीसी, सो आई डोंट नीड एन एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम द शैम्पू। तो मेरे लिए तो ये शैम्पू काम नहीं किया। हाँ, अगर आपके बाल ड्राई हैं, देन दिस डेफिनेटली कैन वर्क फॉर यू। और उसके लिए उसका प्रूफ मेरे पास ये है कि हानिया के बाल जो है वो ड्राई है। सो आई यूज दिस शैम्पू ऑन हर हेयर एंड इट सूट्स हर वेरी नाइसली। तो मेरे लिए पर्टिकुलरली ये शैम्पू काम नहीं किया। हाँ, हानिया के बालों में यानी कि ड्राई है उसके लिए ये बहुत सूटेबल है। अब बात कर लेते हैं जी इस बायोटिन केराटिन ट्रीटमेंट मास्क के बारे में, क्योंकि पॉलर्स में बहुत ज़्यादा ये बायोटिन केराटिन ट्रीटमेंट होता है, और ये डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देता है। इट्स रिलेटिवली बेटर देन यू नो स्ट्रेटनिंग योर हेयर। उसमें आप क्या होता है वो रिबॉन्डिंग, यस रिबॉन्डिंग से केराटिन ट्रीटमेंट बेहतर होता है, और केराटिन से प्रोटीन ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा बेहतर होता है। सो डज दे रियली वर्क और नॉट? आई एम सॉरी, दे डज नॉट वर्क। बहुत ही रेयर बात होती है जब मैं कोई ईशा ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ बात करती हूँ, क्योंकि इनकी अक्सर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, और यू कैन डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि इनकी प्राइसेस ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लस इनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब ये बायोटिन जो मास्क है ना, ये एज इट इज़ लगाएंगे तो इट्स जस्ट लाइक अ क्रीम। आप लगा के आपके बालों में वो स्मूथनेस नहीं आती। तो मैं वो कैसे यूज़ करती हूँ, चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको किस तरह यूज़ किया टू इंटेंसिफाई द रिजल्ट ऑफ दिस मास्क, क्योंकि एज इट इज़ ये लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। चले पहले बोलते। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं कि आपने इतनी सारी प्रोडक्ट्स डालनी है। आपने इस बायोटिन मास्क को बेसिकली आपको दिखाने का और बताने का मकसद ये है कि किसी भी किस्म के दूसरे कंडीशनर के अंदर आप डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्यूटीफाई पे आमना का नरिशिंग हेयर मास्क है, और ये मास्क पर्टिकुलरली आप रूट्स पे लगा सकते हैं, और बायोटिन का और इससे काफ़ी मिलता जुलता जो है वो रिश्ता है। तो ये बहुत ही एंड पर है, मैंने कहा चले इसको भी यूज़ कर लेती हैं। इसके अलावा सनसिल्क के कंडीशनर्स आर बेस्ट। अगर आप कोई बड़ा कंडीशनर जो है, बैंक बड़ा का मतलब था, कोई महंगा कंडीशनर अफोर्ड नहीं कर सकती, तो सनसिल्क का तो ज़रूर ही ले लें। ये आपके बालों को इतनी स्मूथनेस दे देता है ना, कि आपको और किसी कंडीशनर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। आपने करना ये है कि ये जो बायोटिन कंडीशनर मास्क है, आपने इसको किसी भी लोकल
या सनसिल्क, और नहीं तो पैंटीन जो है वो मास्क के अंदर आपने ऐड कर लेना है। और ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बॉल चाहिए जिसके अंदर आप इसको मिक्स करेंगे, आप चाहे तो सिर्फ अपने हैंड्स के ऊपर ही दोनों प्रोडक्ट्स को मिक्स करके, तो यू कैन लेदर देम ऑन योर वेट हेयर। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने वेट हेयर्स पे लगाना है। और कंडीशनर को आप 3 मिनट तक लगा सकते हैं। ये जब बायोटिन मास्क ऐड कर लेंगे देन यू कैन डेफिनेटली लीव इट फॉर मोर देन 5 to 10 minutes। अच्छा जी, अब ये है जी आर्गन ऑयल। तो इस तरह का सिरम या हेयर सिरम भी आप इस टाइम पर अपने बालों में लगा सकते हैं, क्योंकि जब बाल वेट हुए होते हैं तो उनके फॉलिकल्स जो हैं तो थोड़े ओपन हो जाते हैं, और आप जो भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं एक तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दूसरा वो पेनिट्रेट बहुत आसानी से कर जाती है, और अगर पेनिट्रेट करेगी तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। तो फिर आपने वेट हेयर्स पे अप्लाई करना है, और आपने दो चीज़ों को मिक्स करके जब आप अप्लाई करेंगे ना तो फिर इसका रिजल्ट एक तो बहुत ज़बरदस्त होगा, दूसरा ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट ऑल दीज मास्क के सनसिल्क और पैंटीन जितने मास्क हैं, ये कंडीशनर्स हैं बेसिकली, आप इनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। आपके एक वॉश के बाद सेकेंड डे तक इनकी स्मूदनेस और जितने वो नरिशमेंट है ना सब ख़त्म हो गई होती है, लेकिन जब आप बायोटिन मास्क ऐड कर लेते हैं तो इसकी नरिशमेंट जो है ना वो डबल हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। मीन्स कि आप जब तक नेक्स्ट वॉश बालों को नहीं करेंगे आपके बाल फ्रिजी नहीं होते, आपके बाल जो है वो रूखे नहीं होते। तो दीज मास्क कैन वर्क, लेकिन मुझे ईशा का ये जो बायोटिन कंडीशनर है ये बहुत ज़्यादा यू नो इफेक्टिव नहीं लगा, लेकिन जब आप इसके अंदर दूसरे कंडीशनर्स ऐड करके इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप कौन सा कंडीशनर यूज़ करते हैं और आपको कौन सा कंडीशनर सूट करता है। एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रोडक्ट यू वांट मी टू रिव्यू, यू कैन आल्सो शेयर दैट एंड आई विल बाय एंड रिव्यू इट फॉर यू गाइस। सो या लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। अच्छा जी, अब ये सारा कॉम्बिनेशन बन जाता है तो मैं इसको गीले बालों पर 10 to 15 minutes लगा रहने देती हूँ, एंड देन आई रिंस ऑफ। तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट होता है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू एलिवेट द प्रोडक्ट, थोड़ी सी आपको एलिवेट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब दिस इज माई होल वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द लव वंस अराउंड यू। बिफोर यू लीव यू कैन चेक आउट ऑल दीज अदर ईशा ऑर्गेनिक्स वीडियोज दैट आई शेयर्ड बिफोर एंड आई एम श्योर यू लाइक देम टू। इन दो प्रोडक्ट के मैंने आपको बता दिया कि क्या है फैक्टर, काम करते हैं, बट यू नीड टू यू नो फॉलो माई रेसिपी टू मेक दैम वर्क। हाँ, और भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको इतनी एफर्ट के बाद यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैम एज इट इज़। तो मेरी नज़र में दे आर नॉट अप टू द मार्क। सो प्राइस कितनी है और आप कहाँ से बाय कर सकते हैं इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।